क्या किसी राज्य में प्रगति की कमी के लिए एक अकेला व्यक्ति जिम्मेदार हो सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर तब उठता है जब हम पश्चिम बंगाल के बारे में बात करते हैं, जो भारत का एक राज्य है जिसके पास समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी यह प्रगति के विरोधाभास से जूझ रहा है। इस विरोधाभास के केंद्र में एक शख्सियत है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, जिन्हें प्यार से दीदी कहा जाता है, एक दशक से अधिक समय से पश्चिम बंगाल में शासन की कमान संभाल रही है। वह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती रही है। उनका प्रभाव राज्य की सीमाओं से परे तक फैला हुआ है। लेकिन आज हमें जो सवाल पूछने की जरूरत है वह यह है कि क्या उनके नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल में प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है या वास्तव में इसमें बाधा डाली है। प्रोग्रेस एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। यह केवल आर्थिक विकास के बारे में ही नहीं बल्कि सामाजिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और राजनीतिक स्थिरता के बारे में भी है। एक नेता की भूमिका इस मामले में मुख्यमंत्री की ऐसी नीतियां बनाकर इस प्रगति को आगे बढ़ाने की है जो विकास को बढ़ावा दे, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे, कानून और व्यवस्था बनाए रखे और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे। हालांकि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल राजनीतिक अशांति, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक असमानता से जूझ रहा है। ऐसे कई विवाद और भ्रष्टाचार के आरोप हैं जिन्होंने राज्य के शासन पर सवाल उठाए हैं। राज्य की आर्थिक विकास दर सुस्त रही है। प्रचुर संसाधनों से संपन्न होने के बावजूद अन्य भारतीय राज्यों के पीछे चल रही है। राज्य को महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सामाजिक विकास संकेतक निराशाजनक रहे। बढ़ती असमानता, खराब स्वास्थ्य और शिक्षा परिणाम और लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी की रिपोर्टें आई हैं। अस्थिर प्रथाओं और संरक्षण पर ध्यान न देने के आरोप के साथ राज्य की पर्यावरण नीतियों पर भी सवाल उठा गए हैं। तो ऐसा लगता है कि बंगाल में प्रगति का विरोधाभास महज एक संजोग नहीं है बल्कि इसके नेतृत्व का परिणाम है। तो क्या बंगाल में प्रगति की कमी के लिए ममता बनर्जी का नेतृत्व जिम्मेदार है? जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे इस प्रश्न पर गहराई से विचार करेंगे। हम इस विरोधाभास पर कुछ प्रकाश डालने की आशा करते हैं। शिंगू टाटा नैनो प्लांट विवाद तो याद ही होगा, आइए इस मामले में गहराई से जानते हैं। यह इतिहास का ऐसा क्षण था जिसने भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति लाने और संभावित रूप से पश्चिम बंगाल में आर्थिक परिवर्तन लाने का वादा किया था। टाटा नैनो के एक समय दुनिया की सबसे सस्ती कार माना जाता था। कार का निर्माण सिंगूर में किया जाना था लेकिन यह सपना अल्पकालिक था। तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी ने इस परियोजना का कड़ा विरोध किया। उनका प्राथमिक तर्क राज्य सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति थी जिसमें दावा किया गया था कि कृषि भूमि को जबरदस्ती ले लिया गया था। किसानों की सहमति के बिना उनके विरोध प्रदर्शन की एक श्रृंखला शुरू की गई जिसके कारण अंततः 2008 में टाटा मोटर्स ने सिंगूर से अपने प्लांट को हटा लिया। नतीजा बहुत बेकार हुआ। सिंगूर विवाद के कारण न केवल एक महत्वपूर्ण निवेश का नुकसान हुआ बल्कि राज्य को भी नुकसान उठाना पड़ा। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए खुद को एक केंद्र के रूप में स्थापित करने का सुनहरा अवसर खो दिया वेस्ट बंगाल ने। इस निर्णय का प्रभाव पूरे राज्य में महसूस किया गया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना खो गई और क्षेत्र में आगे के निवेश को आकर्षित करने का मौका बर्बाद हो गया। इसके अलावा प्रत्यक्ष टाटा नैनो प्लांट खोए हुए अवसरों और अधूरे वादों का प्रतीक बन गया। इस घटना ने राज्य के औद्योगिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया जिसने ममता बनर्जी के नेतृत्व में आर्थिक प्रगति की कहानी या बल्कि इसकी कमी को परिभाषित किया। पीछे देखने पर यह स्पष्ट है कि सिंगू टाटा नैनो प्लांट विवाद का एक महत्वपूर्ण कदम है। जबकि किसानों की चिंताएं वैध थी, उन्हें संबोधित करने की आवश्यकता थी। जिस तरह से स्थिति को संभाला गया उससे इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए हार के परिणाम का सामने आया। सुदूर किसानों ने अपनी जमीन खो दी और राज्य ने अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का मौका खो दिया। सिंगू टाटा नैनो प्लांट विवाद इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि राजनीतिक निर्णय किसी भी राज्य की प्रगति को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यह एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो किसानों के अधिकारों और राज्य के बड़े आर्थिक हितों दोनों में ध्यान रखता है। तो ऐसे निर्णय के परिणाम क्या हो रहे हैं, आइए इसके बारे में गहराई से जानें। इसी तरह के अन्य घटनाओं के बीच सिंगूर विवाद ने पश्चिम बंगाल के आर्थिक परिदृश्य पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। परिणाम स्वरूप राज्य में निवेशकों का विश्वास काफी प्रभावित हुआ। यह इस प्रकार है, यदि आप एक उद्यमी या निवेशक है
तो आप ऐसे क्षेत्र में निवेश करना चाहेंगे जहां आपका व्यवसाय फल फूल सके, जहां सहायक नीतियां हों और जहां आप एक निश्चित स्तर की स्थिरता की भविष्यवाणी कर सकें। दुर्भाग्य से सिंगूर प्रकरण और उसके बाद के फैसलों ने पश्चिम बंगाल की एक अलग ही तस्वीर पेश की है। अप्रयाश्चितता, अस्थिर नीतियाँ और प्रतिकूल कारोबारी माहौल की एक तस्वीर। इस धारणा के कारण राज्य में निवेश में गिरावट आई। जब निवेशक थक जाते हैं तो राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, उद्योग रोजगार के अवसर और समग्र आर्थिक विकास पीछे छूट जाता है। और यह महज अटकलें नहीं है, अंक खुद ही अपनी बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से लगातार कम रही है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी कई अन्य राज्यों से पीछे है और इस आर्थिक स्थिरता का अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए राज्य का सामाजिक विकास सीधे उसकी आर्थिक समृद्धि से जुड़ा हुआ है। संघर्षता अर्थव्यवस्था के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक क्षेत्र में निवेश करने की राज्य की क्षमता से समझौता किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप निवासियों के जीवन की गुणवत्ता निम्न हो जाती है और खराब प्रगति का चक्र जारी रहता है। राज्य की साक्षरता दर हालांकि राष्ट्रीय औसत से ऊपर है, फिर भी केरल और गोवा जैसे राज्यों की तुलना में कम है। इसी तरह शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु अनुपात जैसे प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक अधिक विकसित राज्यों के बराबर नहीं है। ये सभी कारक राज्य की प्रगति की एक गंभीर तस्वीर पेश करते हैं और यह सब नेतृत्व के निर्णय और नीतियों पर आधारित है। स्पष्ट रूप से नेतृत्व के निर्णयों पर राज्य की प्रगति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। यह सिर्फ एक फैक्ट्री या एक नीति के बारे में नहीं, यह एक ऐसा वातावरण बनाने के बारे में है जो विकास, समृद्धि और प्रगति को बढ़ावा दे। और यहीं पर पश्चिम बंगाल पिछड़ता दिख रहा है। क्या नेतृत्व किसी राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आप शर्त लगा सकते हैं कि जैसा हमने अपने वीडियो में देखा, एक नेता के निर्णय और कार्य किसी राज्य के विकास के पथ को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। उदाहरण के लिए सिंगूर टाटा नैरो ब्लांड का मामला ही ले लीजिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजनीतिक विचारों से प्रभावित होकर इस परियोजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिसका पश्चिम बंगाल के अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे संभावित निवेशकों को राज्य के कारोबारी माहौल के बारे में एक संदेश भेजा और इसके औद्योगिक परिदृश्य पर एक छाप छोड़ी। लेकिन याद रहे, हालांकि नेतृत्व महत्वपूर्ण है, यह एकमात्र कारक नहीं है किसी राज्य की प्रगति। अनगिनत धागों में बुनी गई एक जटिल टेपेस्ट्री है। नीति, बुनियादी ढांचा, शिक्षा और निश्चित रूप से अपने लोगों की इच्छा। नेतृत्व इन तत्वों का मार्गदर्शन कर सकता है और उन्हें आकार देता है, लेकिन वह अकेला खड़ा नहीं रह सकता। अंत में किसी राज्य की प्रगति एक सामूहिक जिम्मेदारी है जो उसके नेतृत्व के निर्णय और कार्यों से काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। आइए याद रखें कि हम न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि हर राज्य में, हर देश में प्रगति के लिए प्रयास करना जारी रखेंगे। तो फ्रेंड, ये थी मेरी राय वेस्ट बंगाल के बारे में और ममता बनर्जी के बारे में। आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली को शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी खराबी लगी हो, आप मेरे वीडियो से असहमत हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाते जाते चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलते रहेंगे। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जब बताइएगा, क्योंकि आपका एक फीडबैक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।